अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक्सरसाइज नंबर 21.1 का क्वेश्चन नंबर 7 और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है। अच्छा, इसमें हमारे पास जो है नीचे फैक्टर मौजूद हैं, ऊपर हमारे पास एक्स की वैल्यू है 3। इस पे हमें फार्मूला लगाना होगा ताकि हमें पता चले कि जो ऊपर एक्स की वैल्यू 3 है, क्या नीचे एक्स की वैल्यू 3 है, छोटी है या बड़ी है, कि हमें पता चले हमें डिवाइड की तरफ जाना है या डायरेक्ट इसको सॉल्व करना है, या आप हमेशा चेक करेंगे। चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, नीचे फार्मूला लगाना होगा। फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस बी। ये ए प्लस बी, अगर आप सपोज करें कि ये आपके पास जो एक्स है उसको आप ए कह लें और इसको आप बी कह लें, इसको ए और इसको बी, तो ये हो गया ए प्लस बी माइनस बी। मीन्स ये आपके पास फार्मूले की राइट हैंड साइड मौजूद है, आप क्या करेंगे इसकी जगह राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड लिख देंगे। ये बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर के, ए हमारे पास है एक्स, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, बी हमारे पास 2 है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये हो जाएगा 4। इस तरीके से हमारे पास आगे आप देखें, ये पावर छोटी है, ये पावर बड़ी है, बराबर हो ये ऊपर वाली पावर बड़ी हो तो हम डिवीजन करते हैं, हम इसको डिवाइड कर देंगे 3x³ माइनस 2x² माइनस 16x प्लस 20 x² माइनस 4। ये जो डिवीज़न है ये कुछ इस तरह होगा कि ये जो फर्स्ट वाला है ना, एक इक्वेशन जो अंदर लिखी हुई है आपने, उसका जो फर्स्ट है ना, आपने जो बाहर वाली इक्वेशन का फर्स्ट है उससे डिवाइड करवा देना इस तरीके से। अब देखें ये स्क्वायर इसमें से कट गया तो आपके पास बचेगा 3x, वो जो आप ऊपर लिख देंगे 3x। अब इस 3x के साथ ये बाहर वाली पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा दें आप, x² माइनस 4, तो 3x जब x² से मल्टीप्लाई होगा ये आएगा x³ प्लस माइनस माइनस 3 × 4 = 12x। अब जहाँ पर क्यूब है x की पावर, वहाँ पर आप ये 3x³ पुट कर दें, और जहाँ पर x है वहाँ पर आप x पुट कर दें। देखिए माइनस का 12x, x के नीचे x आ गया। साइन को चेंज करें और कट कर दें, यहाँ साइन चेंज करें, ये देखें माइनस का 2x² के नीचे कुछ भी नहीं है, तो ये आपका माइनस का 2x² आ गया। 16 प्लस माइनस का है और 12 प्लस का है, जब 16 माइनस 12 होगा तो माइनस का 4 आएगा, 16 बड़ा है ना, उसके साथ पावर, उसके साथ जो साइन होगा ना, जैसे माइनस का साइन है वही आंसर में साइन आएगा, 4 बचेगा x और प्लस का 20 आ जाएगा। अगेन आप क्या करेंगे, अब इस इक्वेशन का जो फर्स्ट है माइनस 2x² और बाहर वाली इक्वेशन का फर्स्ट है x², इससे डिवाइड करवा देंगे, x कट जाएगा, माइनस का 2 बच जाएगा। अब इस माइनस के 2 से आप बाहर वाली पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाएंगे, x² माइनस 4, माइनस प्लस माइनस 2 जब x² से मल्टीप्लाई होगा ये आएगा माइनस माइनस प्लस 2 × 4 = 8। अब आप यहाँ पर क्या करें, माइनस का 2 पहले पुट कर दें ऊपर, और ये जो वैल्यू आई है x² के नीचे और 8 आया है तो कांस्टेंट इसके नीचे, साइन चेंज कर दें, ये कट हो जाएगा, ये माइनस के नीचे कुछ नहीं है, माइनस का 4x आ गया, 20 माइनस 20 प्लस का है ना, तो आंसर में प्लस आएगा क्योंकि 20 बड़ा है, और 20 में से आप 8 को निकाल दें तो आपके पास बचेगा 12। अब ये x की पावर हो गई है छोटी, अब ये x की पावर है बड़ी। अब देखें जब आप इसको रखते हैं ना बाहर, ये देखें ये कैंसिल हो रहा है, नीचे बच रहा है आपके पास, तो ये देखें ये इस तरफ आपने नहीं जाना, ये देखें ये आपने 4x रखा और ये बाहर का 2x² रखा, ये 1 था ये 2 थे कट गया, ये माइनस का 4x बच गया, आपने इस तरफ नहीं जाना, आपने यहीं पे स्टॉप कर देना। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपनी क्वेश्चन लिख देनी है, आपके पास जो आया ये जो सवाल था उस सवाल को आपने जो ऊपर वाला था ना नोमिनेटर, उसकी जगह पे आपने लिख देना है 4x + 12, डिवाइड में आपने दोबारा वही लिख देना है जो आपके फैक्टर थे। याद रहे ये जो मैंने फार्मूला लगाया है ये सिर्फ इसलिए लगाया है, फैक्टर हमें बनाने होते हैं, ये फॉर्मूला इसलिए लगाया ताकि मुझे पता चल सके कि x² जो नीचे है ना वो x की पावर बड़ी है या ऊपर बड़ी है, तो हमें पता चला था नीचे छोटी ऊपर बड़ी है इसलिए हमने डिवीज़न किया। वापस आप जब लिखेंगे ना डिनोमिनेटर तो आप ये फैक्टर लिखेंगे, आप ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ हुआ नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे x + 2 और आप लिखेंगे x - 2, क्यों फैक्टर में आपने लिखना है नीचे, ठीक है ना, ये आपके पास हो गया। ठीक है, अब जो ऊपर आपके पास बन रही है ना इक्वेशन, ये जो ऊपर बन रही है 3x - 2, ये आपके पास आ गया फर्स्ट,
यहाँ पर आप इसको लेट कर लें, या लेट करें कि ये बराबर है किसके, ए ये पहला फैक्टर आ गया एक्स प्लस टू प्लस बी ये दूसरा फैक्टर आ गया एक्स माइनस टू, ये आपने लेट कर लिया, ठीक है। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर वन का। अब आपने एलसीएम ले लेना है इन दोनों का, लेफ्ट हैंड साइड को आपने एज इट इज़ लिख देना है। नेक्स्ट स्टेप है ना, ये माइनस वाली वैल्यू जो है मैं बाद में लिख दूंगा, माइनस वाली वैल्यू अक्सर हम बाद में लिखते हैं, शुरू में जो है ना हम प्लस वाली वैल्यू को लिखते हैं। इन दोनों का एलसीएम लूँगा, ये दोनों आएंगे एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू, और ए के साथ ये क्रॉस में चला जाएगा, ए के साथ आएगा एक्स माइनस टू, क्योंकि ए के नीचे एक्स प्लस टू है वो नहीं लिखेंगे, बी के नीचे वाला लिखेंगे, और बी के साथ लिखेंगे ए के नीचे वाला जो है एक्स प्लस टू। ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से हम कट कर देते हैं, तो आपके पास बचता है माइनस का फोर, या मैंने कहा था प्लस वाला पहले लिख देंगे, आप लिख दें ट्वेल्व माइनस फोर एक्स, ये माइनस के फोर एक्स को बाद में लिख दिया, ट्वेल्व को पहले लिख दिया, ए एक्स प्लस टू। इसको नाम दे दें आप इक्वेशन नंबर टू का। अब यहाँ पे आप लेट करके निकालते हैं एक्स की वैल्यू, एक एक्स आपके पास जो फैक्टर है वो एक्स प्लस टू है, बराबर हो जाएगा ज़ीरो के, एक एक्स माइनस टू बराबर हो जाएगा ज़ीरो के, एक एक्स की वैल्यू आएगी माइनस टू, देखिए प्लस खत्म आ जाके माइनस हो जाएगा, और एक एक्स की वैल्यू आएगी प्लस टू, ये यहाँ माइनस खत्म आ जाके प्लस हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसको भी इक्वेशन टू में पुट करना है, इसे भी इक्वेशन टू में पुट करना है, आपने वन बाय वन पुट करेंगे, तो ट्वेल्व माइनस फोर एक्स की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा पहला वाला माइनस का टू, ए यहाँ आ जाएगा एक्स की जगह, ये वाली इक्वेशन है, देखेंगे इक्वेशन टू है ना, इसमें पुट कर रहा हूँ, ये एक्स से एक्स की जगह माइनस टू आ गया और आगे माइनस टू है, बी माइनस टू आ गया आगे प्लस टू है, ट्वेल्व माइनस प्लस माइनस सॉरी माइनस माइनस प्लस फोर टू जाए माइनस माइनस, दोनों सेम साइन है, प्लस होगा साइन माइनस का आएगा, फोर हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा ज़ीरो आएगा, ये आपके पास होगा ट्वेंटी, ये आपके पास होगा माइनस का फोर है, जब ये मल्टीप्लाई होगा ये ख़त्म हो गया, ए की वैल्यू फाइंड करनी है, माइनस का फोर वहाँ जाके ट्वेंटी के साथ डिवाइड हो जाएगा, फोर वन ज़ा फोर, फोर फाइव ज़ा ट्वेंटी, तो आपके पास जो ए की वैल्यू आई है वो आई है माइनस के फाइव। इसी तरीके से आपने ये प्लस की वैल्यू को पुट करना है इसी इक्वेशन में, तो आपके पास बी की वैल्यू आ जाएगी, तो आपके पास था ट्वेल्व माइनस फोर एक्स, एक्स की जगह आ गया प्लस का टू, फिर आपके पास था ए एक्स माइनस टू था, एक्स की जगह आ गया टू और माइनस टू, ये इक्वेशन टू मैं पुट कर रहा हूँ, आप दोबारा लिख के पुट कर सकते हैं, बी मेरे पास है प्लस का टू और इधर प्लस का टू भी है, ये आ गया माइनस प्लस माइनस फोर टू ज़ा एट, ये कैंसिल हो गया, ए के साथ ज़ीरो आ गया और ये आ गया फोर, ये जो है ना माइनस करके फोर बचेगा, जब इसको सॉल्व करेंगे बारह माइनस करेंगे आठ तो आएगा फोर, ये ख़त्म हो गया ज़ीरो से मल्टीप्लाई होके, ये आ गया फोर बी, फोर बी से मल्टीप्लाई हो गया। बी फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा कि फोर जो है ना यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है वहाँ जाके डिवाइड करेगा, फोर वन ज़ा फोर, फोर वन ज़ा फोर, इस तरीके से बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी वन। आपके पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं, एक आ गई है आपके पास माइनस फाइव ए की वैल्यू, एक आ गई है बी इज इक्वल टू वन, आपने इसको इक्वेशन में पुट करना है वन में, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास वो इक्वेशन वन थी जिसको हमने इक्वेशन वन का नाम दिया था, यहाँ माइनस है, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, उसके बाद क्या करना है, इसी को दोबारा उतार लेना, आपने प्लस वाली वैल्यू को पहले लिख दिया, माइनस वाली वैल्यू को बाद में लिख दिया, बाकी सारा एज इट इज़ आ गया। ये जो 3x माइनस टू है, ये जो डिवीजन के ऊपर जो आपने पहले किया था ना 3x लिखा था, फिर आपका बच रहा था माइनस टू, टू से फिर बार वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाया था, जो ऊपर बच रहा था 3x माइनस टू, ये वो वहाँ से आ गया, ये आपके पास a की जगह माइनस फाइव आ गया जो आपने वैल्यू निकाली, ये b की जगह वन आ गया, फिर आपने दोबारा इसको एज इट इज़ लिखा, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में आपने क्या किया, इस प्लस से माइनस को मल्टीप्लाई करवा के ब्रैकेट ओपन करवा दी और ये आपके पास आ गया। अब आप क्या करें, प्लस वाली वैल्यू इसको पहले लिख लें और माइनस वाली वैल्यू को लास्ट में लिख दें, और ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन
हो गया और इसके साथ साथ 2.1 कंप्लीट हो गई। आपको अगर ये एक्सरसाइज समझ में आई हो, क्वेश्चन समझ में आए हो, तो मेरे चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। ये आपके पास आंसर आ गया जी, पार्शियल फ्रैक्शन में आपने इसको चेंज कर दिया, ये आपके पास आंसर है। उम्मीद है कि आपको ये सारे सवाल समझ में आए होंगे। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।